नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटेसिक्स में और रुख करते हैं हम बिहार की तरफ। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के डिमांड पे ही बनाया जा रहा है। इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि देखिए जितने भी यहाँ एसटीईटी के लिए आवेदन किए हैं छात्र अपने अपने सब्जेक्ट से, तो उनका तो सिलेबस मिल चुका है, मतलब मिल चुका है इन द सेंस कि उनको प्रीवियस ईयर के थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया है और उनको पता चल चुका है कि उनको पढ़ना क्या है। उनके लिए बहुत सारी मार्केट में जो है कुछ कीज भी आ चुकी हैं, जिसको वो या फिर कहें तो क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, जहां से वो परचेज करके अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। यहां पे दोस्तों एक सब्जेक्ट है जिसके लिए टीचर वैकेंसी निकाली गई है, कंप्यूटर साइंस टीचर की। तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, अभी तक इसका कोई एग्जाम हुआ नहीं था एसटीईटी बिहार में, ठीक है। तो आखिर सिलेबस क्या हो सकता है, क्या इसमें पूछे जा सकते हैं सवाल, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, सारी जानकारी देंगे। और ये पेपर टू में इसको शामिल किया गया है क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए लगभग 1600, अगर बात करें दोस्तों 1673 पदों की वैकेंसी निकाली गई है पूरे बिहार में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आपको तो वीडियो देखना पड़ेगा। कितने नंबर का एग्जाम हो रहा है ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है टॉपिक आपको ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को थोड़ा अंत तक देख लीजिएगा सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जा सके। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों आज मैंने सुबह में एक वीडियो दिया है जिसमें कि CISF में लगभग 914 पद निकाले गए हैं 10th पास स्टूडेंट के लिए। तो ये वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनको CISF में जाना है, और इनके जो सारा क्राइटेरिया है मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लेकर चलते हैं दोस्तों अब आपको इनकी सिलेबस के ऊपर जो कि हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखिए आपको दिखलाने वाले यहाँ पे दोस्तों इनके नंबर्स देख लीजिएगा, चूंकि नंबर्स से ही आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको कैसी तैयारी करनी है। देखिए बेसिक्स की अगर बात करें कंप्यूटर में, तो वो और एडवांस मिलाकर, बेसिक और एडवांस मिला के यहाँ पे लगभग 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि कंप्यूटर साइंस का जितना भी सिलेबस है वो 100 नंबर के सिनारियों में आपसे पूछा जाएगा। अच्छा सर, यहाँ तो एग्ज़ाम 150 नंबर का होने वाला है, तो 50 नंबर किससे रहेंगे हमारे? तो 50 नंबर रहेंगे दोस्तों आपके टीचिंग एबिलिटी से। अब इस टीचिंग एबिलिटी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका यहाँ पे 5 से 6 टॉपिक होंगे, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड होगा, जनरल रीजनिंग होगा, जनरल इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, और आपका एक होगा सब्जेक्ट दोस्तों क्या, तो यहाँ पे टीचिंग मेथड होगा, यानी कि आपको कैसे पढ़ाना है और उसके ऊपर आपको ज्ञान है या नहीं, इसके बारे में एक 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने नंबर का पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सिलेबस में बेसिक की, जी हाँ चलिए बेसिक्स की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर फंक्शंस की। तो कंप्यूटर फंक्शंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, सोचिए। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का कभी एग्जाम दिया हो तो उसमें आपको शायद पता चला होगा कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर पूछे जा सकते हैं, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फीचर ऑफ कंप्यूटर पूछे जा सकते हैं कि स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सैलिटी, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ अगर कंप्यूटर के कुछ फंक्शंस के बारे में, तो जैसे कि जनरल कंप्यूटर के बारे में पूछ देगा, फिर उसके जी के इतिहास के बारे में पूछ देगा, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना होगा, कब इसका खोज किया गया, कहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर फंक्शंस में। चलिए ये तो आपका एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे मेमोरी का। मेमोरी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से देखिए कम से कम 2 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जो मेमोरी है जैसे कि प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, मेन मेमोरी हो गया, उन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं दोस्तों एग्जाम में।
सपोज मान लो अगर कोई आपका, जैसे कि आपने एग्जाम दिया होगा बैंकिंग सेक्टर वगैरह का, ठीक है, तो उसमें मेमोरी के क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। जैसे कि अगर कोई पूछ दे कि अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एंड द नंबर बिटवीन 0 एंड 2, तो क्या हो सकता है आंसर? अ बाइट इज कलेक्शन ऑफ, क्या होता है दोस्तों? या फिर क्वेश्चन पूछ दे मेमोरी में कि सीडी रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है, इनपुट का, आउटपुट का, या दोनों का, मेमोरी डिवाइस का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मेमोरी में। तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कम से कम 4 नंबर के यहां से भी हो सकते हैं। तो देखिए 100 नंबर इनको क्वेश्चन पूरा करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक से ही क्वेश्चन उठा के दे देंगे आपको। क्वेश्चन का पैटर्न जो है आपका मॉडरेट टू हाई लेवल जाएगा, इसलिए पहले बेसिक को अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको, है ना। पढ़ने का तरीका क्या होता है कंप्यूटर के लिए, कोई भी मगर एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, खासकर उसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका बेसिक तैयार कर लेना। क्योंकि अगर आपके पास बेसिक ही नहीं होगा ना, तो आप इसका हार्ड लेवल जो है क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं पाओगे, रट्टा मार के जाओगे, भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइस, जी हाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि जैसे कि माउस कैसा डिवाइस है, या फिर कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, प्रिंटर कैसा डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं यहाँ से भी इस एक चैप्टर में। एक तो ये हो गया इनपुट आउटपुट, नहीं आपको लिंक्स के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये दो टॉपिक यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस में, मतलब जैसे कि मान लीजिए प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, अराइज कर सकता है यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला है टॉपिक यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर। मैंने आपको बताया कि पर्सनल कंप्यूटर में आपका इतिहास पूछ सकता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर का असेंबल पूछ सकता है कि मतलब असेंबल कैसे करें, है ना, कंप्यूटर को कैसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कंप्यूटर आपका कुछ एरर आता है, या फिर कुछ आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर का प्रॉब्लम आता है, तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपसे बोला पूछा जाएगा, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है। कुछ पर्सनल कंप्यूटर के क्वेश्चन जैसे कि आप लोग एग्जाम में देखे होंगे, है ना, कि जैसे कि जो पर्सनल पीसी जिसे हम लोग कहते हैं, कि हम लोग पर्सनल कंप्यूटर को कितने डिवाइसेस से जोड़ सकते हैं। तो देखिए पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, एक ही पीसी होता है जो कि खुद उसका ऑनर उसको यूज कर सकता है। इस तरह से क्वेश्चन कुछ बनाएगा, और उससे नेटवर्किंग से, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का बहुत तरीका है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैं अगर क्वेश्चन देना शुरू कर दूंगा यहाँ पे, तो शायद आपकी लगभग 1 महीने की क्लास हो जाएगी पूरा कंप्यूटर का कोर्स खत्म होने में, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बीच बीच में हिंट देता रहूंगा, है ना, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक क्लास भी शुरू कर दी जाएगी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, पर अगर आप कम से कम यहाँ पे 1000 से 500 लड़के अगर मैसेज करेंगे, या फिर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। डेटा कम्युनिकेशन दोस्तों, देखिए 5वां टॉपिक है इसमें, डेटा कम्युनिकेशन का टॉपिक है। तो डेटा कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ पे। डेटा कम्युनिकेशन जैसे कि बसेस, स्टार्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजने, नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी होंगे, ये बेसिक होंगे। इसका ही टॉपिक एक है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, इसका ही एक टॉपिक है आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के साथ साथ एक नेटवर्क कम्युनिकेशन है, उसको भी पढ़ना है, पर वो एडवांस में आएगा, है ना, वो मैं अभी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए एमएस ऑफिस की तरफ। एमएस ऑफिस भी आपका बेसिक में आता है। एमएस ऑफिस में आपको 3 चीज़ें बेसिकली पढ़नी ही पढ़नी है, चौथे के बारे में बताऊंगा, पर 3 चीज़ें आपको बेसिकली पढ़नी। एक तो एमएस वर्ड के बारे में, शॉर्टकट्स की के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। फिर उसके बाद पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन, ठीक है, पावर प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, या फिर उसमें कुछ उसके जो टर्म्स है जैसे कि एनिमेशन क्या होता है, ये पूछ देगा पीपीटी में, या फिर उसमें पूछ देगा कि आप उसमें फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन सा की यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पीपीटी से भी बन सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सेस, देखिए एक्सेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका बेसिक डेटाबेस तैयार करता है, समझ गए आप। यहाँ पे आप एक्सेस के जरिए एक डेटाबेस भी तैयार कर सकते हैं, उसका पूरा सिनारियो भी तैयार कर सकते हैं। तो एक्सेस से भी प्रश्न होंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए इसका एडवांस जो है, जो कोर्स होगा एक्सेस का, आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। डीबीएमएस आगे हम लोग बताएंगे इसमें
किसमें, तो एडवांस वाले कोर्सेज में, ठीक है। तो ये एक्सेस है आपको जो कि पढ़ना है एमएस ऑफिस में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तरह से ये डेटाबेस का काम करता है। उसके बाद है स्प्रेडशीट, जहाँ पे आप एक्सेल पे काम करते हैं वहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये स्प्रेडशीट, यानी कि आपका एक्सेल, एमएस वर्ड और पीपीटी, ये तीन यहाँ से इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए 7 नंबर, इसमें पूछा जाएगा एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, जितने भी शॉर्ट टर्म, जैसे कि पूछ देगा सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, या फिर रोम का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि पूछेगा लैन का फुल फॉर्म क्या है, वैन का फुल फॉर्म क्या है, ये सारी टॉपिक आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे बेसिक, है ना। अब चलते हैं थोड़ा एडवांस की तरफ। एडवांस में हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी समाप्त करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत तरह के बन सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि इन अ डॉस द डी आई आर कमांड इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है, ये पूछ देगा। या फिर एक तरह का क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें 5 ऑप्शन दे देगा या 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उसमें बताना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने पूछ दिया यही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, डॉस, लिनक्स, यूनिक्स या फिर सीपीएम। तो देखिए सीपीएम जो है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। विंडो, डॉस, लिनक्स और यूनिक्स, ये तीनों के चारों ही यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पे दोस्तों, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, कुछ सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे कि मालवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, या फिर एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बारे में मैं आपको बुक भी बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, बुक कौन सी आप फॉलो करेंगे। तो इन सब के लिए जो अगर आप बेसिक और ये पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए अरिहंत का आपके पास बुक अगर होगा तो अरिहंत के बुक पढ़ सकते हैं। देखिए मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और या तो फिर अगर आप पारामाउंट की बुक्स लें, वहाँ पर आपको कंप्यूटर के कोर्स मिल जाएंगे। और नहीं तो सबसे बेस्ट है लूसेंट उठाइए, लूसेंट पढ़ डालिए, उससे आगे कुछ नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इतना तो कर लीजिएगा कम से कम, आई थिंक मुझे लगता है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा अब लेवल ऊपर आ रहा है, क्योंकि देखिए टीचर बन रहे हैं आप, यहाँ पे बच्चों को कम से कम आपको सिखाना होगा, है ना। क्या तो प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि सिखाने से नहीं होगा या थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए। कम से कम C++, जावा का बेसिक, .NET का बेसिक, PHP, यानी कि जो PHP में हम लोग वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उन सब का बेसिक्स, तो ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। कोडिंग वगैरह तो आनी चाहिए, कैसे कमांड चलता है, कैसे कोड होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भले ही यहाँ पे आपसे पूछे ना जाए, पर आप जब टीचर बन जाएंगे और आपसे कोई स्टूडेंट पूछ देगा कि सर यहाँ पे बताइए कि इस हमें C++ में कोडिंग कैसे करनी है, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग कोडिंग आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो इतना भी इजी नहीं है टीचर बनना भाई, है ना। डेटाबेस कॉन्सेप्ट, देखिए डेटाबेस कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया आपका डेटाबेस। यहाँ पे आपको SQL पढ़ना है, ठीक है, SQL पढ़ना है, Oracle पढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक है, ये हाई लेवल के टॉपिक हैं, पर आप यहाँ पे एक है MySQL पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से कोई क्या पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, तो यहाँ से क्यूरीज पूछे जाएंगे, ठीक है, कि फाइंड कैसे कर सकते हैं डेटाबेस में, हम किसी के नाम को या फिर किसी के रोल नंबर को, ऐसा शॉर्टकट की बताइए हमें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये डेटाबेस के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमें आपको बता दूंगा आने वाले समय में अगर क्लासेस हुई तो, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन, देखिए मैंने आपको क्या बोला, डेटा कम्युनिकेशन विथ नेटवर्किंग, ये एक अच्छा चैप्टर है जहाँ से आप स्कोर सब्जेक्ट कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं अगर यहाँ से नंबर आ गया तो। 5 नंबर के क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने देखिए CTET में देखा है एग्ज़ाम, TET का एग्ज़ाम देखा है, और आपके NET की क्वालिफाइंग का भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि कहाँ से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना के ला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे एक है इंटरनेट सर्विसेज और एक है कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये उतना हार्ड टॉपिक नहीं है, मेन एडवांस में देखा जाए तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, डेटाबेस कॉन्सेप्ट और आपका डेटा कम्युनिकेशन, ये चार जो हैं आपके सबसे टफेस्ट हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस का सारा सिलेबस यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब जो हमारा 50 नंबर है कि उस 50 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में जान लीजिए जरा। दोस्तों ये देखिए, ये सबके लिए कॉमन है क्योंकि 100 नंबर की बातें तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ से 100 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, पर जो 50 नंबर है उसमें सभी को एग्जाम देना है जो कि आपकी सेक्शन क्लास है। पहला टॉपिक है मैथमेटिक्स, जो कि सिंपल आपको ज़्यादा नहीं, आप अगर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं उसी लेवल का क्वेश्चन आंसर करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से करके जाइएगा आप लोग, इतना काफ़ी है। दोस्तों रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी बेसिक ही पूछा जाएगा, यहाँ पे कुछ फिगर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन फिगर वाले करके जरूर जाइएगा क्योंकि अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये कर लीजिएगा। हिंदी में टॉपिक पढ़िएगा दोस्तों, व्याकरण में कुछ ज़्यादा व्याकरण पढ़ के जाइएगा क्योंकि देखिए हिंदी में लेख वेख आए चाहे ना आए, व्याकरण से तो आप कम से कम पास हो सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्वालिफाइंग चाहिए। 50 नंबर में आपको 30 नंबर ला के क्वालिफाइंग हो जाना किसी भी तरह, 30 नंबर तो नहीं 25 नंबर पे ही होगा आई थिंक, मुझे लगता है, पर फिर भी आपको क्वालिफाइंग हो जाना है यहाँ पे इस 50 में। ठीक है, जनरल साइंस जीएस का क्वेश्चन जो कि आपको रेगुलर कराया जा रहा है अभी चैनल वाइट एजुकेशन पे भी। ठीक है, तो लगातार आप वहाँ पे भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बिहार दरोगा की भी तैयारी करा रहे हैं हम लोग वाइट एजुकेशन चैनल पे। ठीक है, और है आखिरी हमारा यहाँ पे दोस्तों जनरल नॉलेज और टीचिंग मेथड, आपको टीचिंग मेथड यानी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए उसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा टीचिंग मेथड के लिए आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे अभी पब्लिकेशन के बुक्स आ चुके हैं मार्केट में भी, वो लोग वहाँ से भी उठा के आप लोग सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो अभी टाइम है आपके पास, नवंबर में एग्ज़ाम है, सारा पर्व त्यौहार छोड़ के थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। वीडियो लंबा हो गया है मुझे पता है, आप लोग गुस्सा हो गए कि वीडियो काफ़ी लंबा बना देते हैं सर, पर मैं क्या करूं, आप लोगों से बातें करने का बहुत इच्छा हो जाता है इसलिए मैं सारी चीज़ें बता चुका हूं। ये सारा चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सारी सिलेबस यहां से कन्फर्म हो चुके होंगे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट, और तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ क्लासेस शुरू करनी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, कम से कम देखिए 400-500 कमेंट आ जाएंगे तो मैं क्लास शुरू कर दूंगा आप लोगों की। ठीक है, पक्का श्योर है ना। तो आज के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।